अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स, यूरोपियन हिस्ट्री की आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक को, फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन यूरोप 1815 टू 1848। और इस अपने थर्ड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अदर पॉइंट्स को भी, जिसमें है नेशनलिज्म, लिबरलिज्म और रोमांटिसिज्म, सोशलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉलोनियलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो इन तमाम पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे और आप इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कौम परस्ती क्या है और ये यूरोप में नेपोलियन की जंगों के बाद कैसे उभरी, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम दूसरे पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि 19वीं सेंचुरी में कौम परस्ती की तहरीकों के बुनियादी मकासद क्या है, क्या थे, और उसके बाद कौम परस्ती ने जो यानी ऑस्ट्रिया सल्तनत जैसी जो बड़ी सल्तनतें थी उनकी स्टेबिलिटी को कैसे चैलेंज किया। और उसके बाद हमारा पॉइंट है लिबरलिज्म का, तो लिबरलिज्म में हम देखेंगे कि लिबरलिज्म के अहम असूल क्या हैं और इब्तदाई 19वीं सेंचुरी में लिबरल तहरीकों के अहम मकासद क्या थे। लिबरलिज्म और मुहाफ़ज़त पसंदी के दरमियान तनाज़ात की नेचर या नौयत क्या थी। और उसके बाद हमारा रोमानियत का पॉइंट है कि इसने रोमानियत ने रोशनी के मुकाबले में किस तरह से रद्द अमल दिया और रोमानियत ने कौम परस्ती के अरूज में किस तरह से किरदार अदा किया। हम इन तमाम पॉइंट्स को अपनी वीडियो में कवर करेंगे और रोमानियत की अहम शख्सियात कौन थी, उन्होंने क्या किरदार अदा किया था। और सोशलिज्म का हमारे पास पॉइंट है, सो इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिस तरह से सोशलिज्म क्या है और उसके अहम नकात क्या हैं। इसके अलावा संत इनकलाब ने सोशलिज्म के नज़रियात की तरक्की पर कैसे असर डाला, कार्ल मार्क्स और इसके अलावा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे, उन्होंने सोशलिज्म के ऊपर क्या असर डाला था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, संत इनकलाब का पॉइंट है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिस तरह से कि संत इनकलाब की अहम जो टेक्निकल डिवेलपमेंट थी वो क्या थी, संत इनकलाब ने पैदावार के तरीकों को किस तरह से तब्दील किया। इसके साथ हम पॉइंट देखेंगे कि संत इनकलाब के दौरान जो अर्बनाइजेशन थी यानी शहरी जो तेज़ शहरी थी उनकी वजह से कौन से समाजी चैलेंजेस उभरे थे संत इनकलाब के दौरान और इसके क्या नतायज आए थे। नौआबादियात का कॉलोनियलिज्म हमारे पास पॉइंट है कि 19वीं सेंचुरी में यूरोपीय नौआबादियाती तोसी के जो डायनमिक्स थे वो क्या थे। इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि नौआबादियात ने नौआबादियाती इलाकों की मशीदों के ऊपर क्या असर डाला था, यूरोपियों ने अपनी नौआबादियाती कोशिशों की जो यानी तवजीहत थी वो किस तरह से पेश की थी। और उसके बाद हम इन अवामिल के यानी नतायज को डिस्कस करेंगे कि कौम परस्ती और लिबरलिज्म के नतीजे में यूरोप में कौन सी सियासी तब्दीलियाँ आई थी, संत इनकलाब ने इक्तसादी और समाजी तब्दीलियों में कैसे किरदार अदा किया था। तो इसके अलावा ये जो मूवमेंट्स थी यानी यूरोप में मुस्तकबिल के तनाजात के लिए किस तरह से बुनियाद फराहम करती हैं। सो हम अपने इस वीडियो में तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनलिज्म डिफाइन इन इम्पोर्टेंस। सो नेशनलिज्म इज अ बिलीफ दैट पीपल विद अ कॉमन लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री शुड बी यूनाइटेड एज अ नेशन आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स। नेशनलिज्म ग्रू एज पीपल अक्रॉस यूरोप बिगन टू आइडेंटिटी मोर स्ट्रॉन्गली विद देयर ओन कंट्रीज रेदर देन फॉरेन रूलर्स और एम्पायर्स। यूरोप में यानी तसलसल और तब्दीली के अवामिल क्या थे और कौम परस्ती क्या थी, इसकी तारीफ क्या है, इसकी अहमियत क्या है। कौम परस्ती जो है वो इस बिलीफ को कहते हैं, उस अकीदे को कहते हैं कि लोग जो एक मुश्तरका ज़बान, सकाफत और तारीख रखते हैं उन्हें एक कौम की शक्ल में मुतहिद होना होता है। और नेपोलियन की जंगों के बाद कौम परस्ती का शऊर बढ़ा क्योंकि यूरोप में जो लोग थे वो अपने ममालिक के साथ गैर मुल्की हुकाम या फिर जो सल्तनतें थी उनकी नस्बत ज़्यादा मजबूती से जुड़ने लगे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस नेशनलिज्म के गोल्स क्या थे, इसके मकासद क्या थे। तो कौम परस्ती जो थी यानी नेशनलिज्म ने गैर मुल्की हुक्मरानी से, फॉरन रूल से आज़ादी का मुतालबा किया था और खुद इरादियत की भी ख्वाहिश की थी, डिजायर्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन। और जहाँ पर हर जो एथनिक ग्रुप था वो खुद हुकूमत कर सके, तो यह तहरीक इटली, जर्मनी और पोलैंड जैसे इलाकों में इतिहाद या फिर आज़ाद होने की तहरीक को इसने जन्म दिया था, जिन्होंने आस्ट्रिया, रूस और उस्मानी सल्तनत जैसे हुक्मरानों से आज़ादी की कोशिश की थी। उसके बाद हम इसके चैलेंजेस और इम्पैक्ट को देखते हैं। तो नेशनलिज्म पोज द चैलेंजेस टू लार्ज एम्पायर्स विद डाइवर्स पॉपुलेशन सच एज द ऑस्ट्रियन एम्पायर। कौम परस्ती ने मुख्तलिफ आबादियों वाले बड़े सल्तनतों जैसे जिसकी ऑस्ट्रिया सल्तनत, इसके लिए चैलेंज पैदा किया। ठीक है,
और इसके अलावा इसने नस्ली गिरोहों को आज़ादी की तलाश में हौसला दिया था। कौम परस्त तहरीकों ने बगावतों, हंगामों और आखिरकार फिर यूरोप की शक्ल बदलने में भी मदद की, यानी यूरोप को रीशेप करने में मदद की। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म को डिफाइन करते हैं और इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक सियासी नजरिया है, ठीक है, जो अनफरादी आज़ादियों और बराबरी को जमहूरी हुक्मरानी की को सपोर्ट करता है, उसकी वकालत करता है। और लिबरल जो है वो लोगों ने जो मुतलका बादशाहत है इसकी मुखालफत की और तहरीरी आइन की हमायत की और आवाम के मुंतखब हुकूमतों की ख्वाहिश की। उसके बाद है गोल्स ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के मकासद क्या थे? लिबरल अफराद जो थे जिनमें सिविल राइट्स थे, शहरी हकूक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी अजहार और आज़ादी सहाफत के ये हामी थे और उन्होंने महदूद हुकूमत की हमायत की थी और अशराफिया और रूहानी तबके की जानब से दी जाने वाली जो जागीरदाराना यानी कि अमारात थी उनके खात्मे की ख्वाहिश की थी। तो लिबरल्स आल्सो सपोर्टेड फ्री मार्केट इकॉनमीज विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी लिबरल अफराद ने हुकूमत की मदाखलत के बगैर आज़ाद मार्केट की मशक की भी हमायत की थी। देन कन्फ्लिक्ट विद कंजर्वेटिज्म, मुहावती नजरियात के साथ तसादम। तो लिबरल अफराद जो थे वो यानी पुराने जो रवायती बादशाहतें थीं और समाजी ढांचे थे उनके तहफ्फुज़ के यानी के ख्वाहिशमंद थे और मुहावजों के साथ तसादम में रहे थे। सो ये जो तनाव था, ये जो टेंशन थी, इसने यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर फ्रांस में यानी कि यह टेंशन देखी गई थी, जहाँ पर जो लिबरल अफराद थे वो इस्लाहत का मुतालबा करते रहे थे, ठीक है, जबकि जो मुहाफिज रहनुमा थे उनके खिलाफ वो मज़ाहमत करते रहे। देन इन्फ्लुएंस ऑन रेवोल्यूशंस, इनकलाबों के ऊपर क्या असर हुआ? तो लिबरलिज्म ने 1830 और 1848 में कई यानी इनकलाबों की तहरीक पैदा की। इसके अंदर यूरोप भर में यानी के लोग थे जिसके अंदर शामिल थे फ्रांस, जर्मनी और इटली ने जमहूर इस्लाहत और हकूक का मुतालबा किया था। तो दीज रेवोल्यूशन मार्क द टर्निंग पॉइंट बाय प्रेसिंग फॉर चेंज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव ऑर्डर। तो ये इनकलाबों ने एक ऐसे मोड़ की निशानदेही की जिसने कदीम हुक्मरानी के खिलाफ तब्दीली के लिए जोर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास रोमानियत का। रोमानियत क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो रोमानियत जो है एक यानी आर्टिस्टिक, एक फ़नून लतीफ़ा और एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, एक इल्मी तहरीक थी जो एहसास को, इसके अलावा नेचर को, फितरत को और अनफरादी तजे की यानी कि अहमियत के ऊपर ये जोर देती थी। और ये जो है इनलाइनमेंट यानी रोशनी के दौर के जवाब में थी जो मुंतक और साइंसी सोच के ऊपर मरकूज था। नेशनलिज्म एंड इंडिविजुअलिटी, कौम परस्ती और अनफरादियत। तो रोमानियत जो है वो अक्सर कौम परस्ती को फ़रोग देती थी, यानी कौमी रवायात और इसके अलावा जो फोकलोर थी यानी लोक कहानियाँ और तारीख की तजलील करती थी। सो इसने मुख्तलिफ कौमों की मुनफरद खसूसियात को उजागर किया जो इस दौर कौम परस्ती के तहरीकों में अजाफा करती थी। अब इसमें है की फिगर्स एंड इन्फ्लुएंस, यानी अहम शख्सियात और इनका असर क्या है। तो रोमानियत के जो यानी कि नुमाया शख्सियात हैं इनमें शायर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और इसके अलावा कंपोज़र लुडविग हैं, तो लुडविग वैन बेथोवन, तो ये इसके अंदर शामिल थे। तो रोमानियत ने ना सिर्फ अदब में और बल्कि फ़न के ऊपर भी इस रोमानियत ने असर डाला, लोगों को अपनी सकाफती शनाख्त की कदर करने की भी इसने तहरीक दी, विच फर्दर फ्यूल्ड नेशनलिज्म जो कौम परस्ती को मजीद बढ़ाती रही। अब हम देखते हैं इस रोमानियत के पॉलिटिक्स के अंदर रोमानियत की सियासत क्या थी। तो रोमानवी अफराद जो थे वो रिवोल्यूशन से यानी इनकलाबात और हंगामों को आज़ादी और अनफरादियत के आधार के तौर पर वो देखते थे और ये जो मूवमेंट थी इस मूवमेंट का यानी कि एहसास और बहादुरी पर जोर देने वाला नुक्ता नज़र जो था वो बहुत से लोगों को मौजूदा हुक्मरानी के चैलेंज करने की तरगीब देता था, ठीक है। सो एडिंग रेवोल्यूशनरी एनर्जी जो इस दौर के इनकलाबी जोश खरोश में भी अजाफा करता था। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है सोशलिज्म। सोशलिज्म को डिफाइन करेंगे और इसके ओरिजिन की बात करेंगे। सो सोशलिज्म एक नज़रिया है, सोशलिज्म एक नज़रिया है जो समाजी और इक्तसादी बराबरी की वकालत करता है। और सोशलिस्ट बिलीव दैट वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर फेयरली एंड द सोसाइटी शुड केयर फॉर इट्स मेंबर्स स्पेशली इन द वर्किंग क्लास। यानी जो सोशलिस्ट हैं उनका ये मानना था कि दौलत को ज़्यादा मुनसफाना तौर पर तकसीम किया जाना चाहिए और मुआशरे को अपने अफराद की खासतौर पर जो मेहनत कश तबके हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि संत इनकलाब का किस तरह से जवाब आया, रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो संत इनकलाब के आगाज के साथ जो यानी वर्किंग कंडीशन थी, मेहनत कशों के लिए जो
काम के हालात थे वो बहुत खराब हो चुके थे, तो वो काफी यानी लॉन्ग आवर्स तक वो काम करते थे और उनके पास जो वेजेस थी, तनख्वाहें थी, वो बहुत कम थी। तो सोशलिस्टों ने इन हालात की तनकीद की और मेहनत कशों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने रिफॉर्म्स का मुतालबा किया। तो इस तरह यानी कि कम औकात कार में बेहतर तनख्वाहों और जो महफूज काम के हालात हैं उनकी उन्होंने वकालत की। अब इसके अहम मुफक्किरीन क्या थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जैसे मुफक्किरीन ने सोशलिज्म और तबकाती जदोजहद के बारे में नजरियात तरक्की यानी नजरियात को नजरियात को उन्होंने कहा कि मेहनत का जो तबका है यानी के जो प्रोलेटारिया है, अमीर तबका है, और इसके अलावा जो यानी बुर्जवाजी के हाथों इस्तेसाल का शिकार है, तो ये इस अदम मसावात के इस इनक्वालिटी के खात्मे के लिए समाजी तब्दीली है वो जरूरी है। सो इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर क्या असर था, सोशलिज्म ने जो है वो मेहनत कशों में यानी रिफॉर्मर्स में और वर्कर्स के दरमियान उसने मकबूलियत यानी कि उसको मिली थी, इस्लाह पसंदों के दरमियान उसको मकबूलियत मिली जिन्होंने ज्यादा हकूक और तहफात के लिए मुतालबे किए थे। तो सोशली ख्यालात ने मुस्तबिल की मेहनत कश तहरीकों के ऊपर भी असर डाला था और इस तरह से हुकूमतों के मेहनत के कवानीन और हालात में बेहतरी लाने के बेहतरी के लिए भी यानी कि तरगीब दी गई। उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, संती इनकलाब। सो व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, संती इनकलाब क्या था, संती इनकलाब जो था वो एक तेज रफ्तार यानी कि टेक्निकल एडवांसमेंट का दौर था जो कि 18 और 19 सेंचुरी के आगाज में वाकई हुआ था और ये जो था ये बरतानिया में शुरू हुआ था और यूरोप के बाकी हिस्सों में भी फैल गया था, जिसने यानी कि मशीनों जिस तरह से भाप का इंजन है पावर लूम इसकी इजाद के साथ मईशतों को और माशरों को तब्दील कर दिया। अब है चेंजेस इन प्रोडक्शन, पैदावार में तब्दीलियां आई यानी जो फैक्ट्रीज थी जो कि मैनुअल लेबर को उसने रिप्लेस किया यानी दस्ती मेहनत की जगह ले चुके थे कारखाने, तो जिसकी बदौलत अशिया थी उनको बड़ी तादाद में यानी बनाना जो है वो यानी कि मुमकिन नहीं था, यानी जो यानी पैदावार के अंदर तब्दीलियां की गई थी, जो फैक्ट्रीज थी यानी कि दस्ती मेहनत की जगह जब उन्होंने ली तो उसकी वजह से जो अशिया की बड़ी तादाद थी यानी कि उसको इन फैक्ट्रीज की मदद से पैदा करना मुमकिन हुआ था, लेकिन दस्ती मेहनत से इतनी ज़्यादा तादाद को चीज़ों को इतनी ज़्यादा तादाद में पैदा करना आसान नहीं था। तो ये मशीन के जो था इसकी बुनियाद के ऊपर जो पैदावार में तब्दीली थी उसने कीमतों में भी कमी की और अशिया की दस्तियाबी के अंदर भी उसने इजाफा किया, तो जिसने लोगों के जो जिंदगियां थी उनको तब्दील कर दिया और नए संतों को भी जन्म दिया। देन अर्बनाइजेशन एंड सोशल इम्पैक्ट, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड टू अर्बनाइजेशन एज पीपल मूव टू सिटीज फॉर फैक्ट्री जॉब्स, सो हाउएवर सिटीज वर ऑफन ओवरक्राउडेड एंड लिविंग कंडीशंस वर पुअर। तो इस तरह से जो यानी कि शहरी और समाजी असरात थे उसने संती इनकलाब ने अर्बनाइजेशन की राह हमवार की, क्योंकि लोग जो थे वो कारखानों में मुलाजमत के लिए शहरों में मुंतकिल हुए थे, लेकिन शहर जो थे वो अक्सर ज्यादा आबादी वाले होते थे और रिहायशी हालात उनके अंदर खराब होते थे, तो इसी वजह से शहरी इलाकों की जो इस यानी कि तेज तरक्की ने गुर्बत के अंदर इसके अलावा आलूदगी के अंदर और हेल्थ इशूज के मसाइल जो थे इस तरह से सेहत के मसाइल इस तरह उन्होंने समाजी चैलेंज पैदा कर दिया। देन क्लास डिवीजन एंड वर्कर एक्सप्लोटेशन, तबकाती तकसीम और मेहनत कशों का इस्तेसाल। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू ग्रेटर डिवीजन बिटवीन द वेल्दी फैक्टर ओनर्स एंड वर्किंग क्लास, वर्कर्स फोर्स्ड लॉन्ग आवर्स, लो वेजेस एंड डेंजरस कंडीशंस प्रमोटिंग सोशलिस्ट एंड फार्मर्स टू कॉल फॉर चेंजेस टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। यानी संती इनकलाब ने दौलतमंद जो कारखानेदार थे और मेहनत कश तबके थे उनके दरमियान एक बड़ी तकसीम पैदा कर दी थी और संती इनकलाब ने जो है यानी इस मेहनत कशी को जो संती इनकलाब था इसने मेहनत कशी को तवील औकात कार कम तनख्वाहों खतरनाक हालात का इस इनकलाब की वजह से सामना करना पड़ा था, जिसने सोशलिस्टों को इस्लाह पसंदों को जो है वो मेहनत कश के तहफ़ के लिए तब्दीलियों के मुतालबे करने की तरगीब दी थी। उसके बाद हमारा पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है कॉलोनियलिज्म यानी नो आबादियात एक्सपेंशन ऑफ द यूरोपियन एम्पायर्स। 19 सेंचुरी के दौरान यूरोपीय मालिक ने अफ्रीका एशिया और अमेरिका के में इलाके जो थे उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की थी, ठीक है। सो दिस डिजायर फॉर कॉलोनीज वाज मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर रॉ मटेरियल्स, न्यू मार्केट्स एंड नेशनल प्रेस्टीज। तो ये जो नौ आबादियात थी इनकी ख्वाहिश खाम माल
नए मार्केटों और कौमी जो शान शौकत थी उसकी ज़रूरत की वजह से थी। अब इकोनॉमिक मोटिवेशन में क्या है कि यूरोपीय मालिक जो थे जिनके अंदर यानी खाम माल था जिस तरह से कपास है, चाय है, रबड़ है और मदनियात है, तो इन तक जो रसाई हासिल करना यानी वो चाहते थे ताकि अपनी संतों को वो तरक्की दे सकें। तो कॉलोनीज प्रोवाइड बोथ द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन एंड न्यू मार्केट्स फॉर यूरोपियन गुड्स। तो नौबादियात ने पैदावारी ज़रूरियात के लिए खाम माल फराम किया और यूरोपीय अशिया के लिए नए मार्केट भी फराम किए। कल्चरल एंड पोलिटिकल मोटिवेशन, काफ़ी और सियासी मुहरक़ात क्या थे? तो कुछ यूरोपियंस ने अपने जो सकाफ़ती यानी सकाफ़ती आला होने का यकीन किया था और नौबादियात के लोगों को सिविलाइज यानी महजब बनाने की कोशिश की थी। तो ये यूरोपी इकदार को फैलाने का नज़रिया जो था अक्सर मकामी आबादियों और वसायल के इस्तेमाल की तोजीह बन गया था। अब हम देखते हैं कि कॉलोनाइज रीजन के इम्पेक्ट नौबादियाती इलाकों पर असरात क्या थे। नौबादियात ने यानी इन मुआशों पर काफ़ी गहरे असरात मरतब किए थे। अक्सर इसके अंदर इक्तसादी यानी इस्तेसाल था, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन थी, उसके बाद कल्चरल सेपरेशन थी, सकाफ़ती दबाव था, पॉलिटिकल कंट्रोल, सियासी कंट्रोल का ये वजह बने थे। सो इस तरह से जो नौआबादियात थी यानी कि नौआबादियाती कौमों को काफ़ी यानी समाजी, सकाफ़ती और इक्तसादी तब्दीलियों का सामना करना पड़ा जिसने 20वीं सेंचुरी में मज़ामत और नौआबादियाती तहरीकों की राह हमवार की। देन कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज फोर्सेस, पॉलिटिकल चेंजेस इन यूरोप, नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म लीड टू पॉलिटिकल रिवोल्यूशनिस्ट एंड मेनी रीजन्स डिमांडिंग इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बाय चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल मोनार्की। दीज फोर्सेस सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवेंचुअल यूनिफिकेशन मूवमेंट्स इन कंट्रीज लाइक इटली एंड जर्मनी। तो इसके जो यूरोप में सियासी तब्दीलियाँ थी यानी कि कौम परस्ती और लिबरलिज्म ने सियासी इनकलाबों की राह हमवार की, ठीक है, और बहुत से इलाके जो थे उन्होंने आज़ादी और जमहूर असलाहत का मुतालबा किया। सो रवायती बादशाह को चैलेंज करते हुए ये जो कुवतें हैं इसने मुस्तकबिल के यूरोपी तनाज़ात को और इटली और जर्मनी जैसे जो मालिक उन इतिहाद की मूवमेंट्स की बुनियाद भी ये बन गए। उसके बाद इक्तसादी और समाजी तब्दीलियाँ हैं यानी सनती इनकलाब ने यूरोप की मईशत को तब्दील कर दिया, पैदावार में इजाफा किया, लेकिन अहम समाजी चैलेंजेस भी पैदा किए। तो इसने जो यानी कि क्लास टेंशन थी, तबाती तनाव था, इसमें इजाफा किया और सनती मालकान और मैनेजर तबके के दौरान जो है वो तकसीम पैदा की जिसने सोशलिज्म और जो वर्किंग क्लास थी उनके हकूक के मुतालबात को भी जन्म दिया। देन कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, हम देखते हैं कि सकाफ़ती और नज़रियाती तब्दीलियाँ क्या थी। तो रोमानियत ने लोगों के जो फितरत को, अनफरादी शनाख्त को, इसके अलावा उनके जो आर्ट को, इनके हवाले से नज़रियात में तब्दीली की। सो कौम परस्ती और लिबरल ख्यालात पर असर डाला और इसके अलावा सोशलिज्म ने वर्किंग क्लास में के अंदर मकबूलियत हासिल की जिसने बराबरी और मेहनत के हकूक़ के ऊपर तवज्जो देने मरकोज करने वाली सियासी तहरीकों की बुनियाद रख दी थी। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट थ्रू कॉलोनलिज्म, नौबादियात के जरिए आलमी असरात यानी कॉलोनलिज्म एक्सपेंडेड यूरोपियन इन्फ्लुएंस ग्लोबली ऑफन एट ग्रेट कॉस्ट टू द कॉलोनाइज्ड रीजंस व्हाइल इट ब्रॉट यूरोपियन टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इट आल्सो लीड टू एक्सप्लोटेशन, सेपरेशन ऑफ द लोकल कल्चर्स एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। यानी नौआबादियात ने आलमी सतह के ऊपर यूरोपी असर रसूख को बढ़ाया, अक्सर नौआबादियात इलाकों की कीमत के ऊपर, और इसने दूसरे हिस्सों में यूरोपी टेक्नोलॉजी और नज़रियात लाए, लेकिन इसने भी इस साल को कौमी यानी कि सकाफ़तों को दबाया और जो इक्तसादी इंसार था उसकी भी ये वजह बना। सो अब हम इस टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि 1815 से 1848 का जो दौर था वो यूरोप में अहम तसलसल और तब्दीलियों के अवामिल को देखता है। नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड रोमांटिसिज्म, सोशलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनलिज्म रीडिफाइंड पोलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप। यानी इन कौम परस्ती ने, रोमानियत ने, लिबरलिज्म ने, सोशलिज्म ने, सनती इनकलाब और नौआबादियात ने सियासी और समाजी जो मंजरनामे हैं उनको दोबारा तश्कील दिया। कौम परस्ती और लिबरलिज्म ने रवायती बादशाहत को चैलेंज किया और जो पूरे यूरोप में इतिहाद और आज़ादी की नई आवाज़ें भी बुलंद हुई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इक्तसादी तरक्की की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये वजह बना था और इसके अलावा इसने इक्तसादी तरक्की की यानी वजह बनने के साथ अहम समाजी और तबकाती तकसीम को भी इसने पैदा किया
और सोशलिज्म ने जो यानी कि वर्किंग क्लास थी उसके लिए नई आवाज़ फराहम की थी, और रोमानियत ने सकाफती अजहार की तहरीक दी थी। इसी तरह जो जब नौआबादियात थी यानी कि कलोनलिज्म, उसने आलमी सतह के ऊपर यूरोपी कंट्रोल और असर रसूख को बढ़ाया, इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। सो दीज फैक्टर्स लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर यूरोपियन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड अल्टीमेटली टू फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, रेवोल्यूशंस एंड द रीशेपिंग ऑफ द नेशनल आइडेंटिटीज। यानी ये अवामिल बाद के यूरोपी तब्दीलियों की बुनियाद फराहम करते हैं और फिर मुस्तबिल के तनाजात, इंकलाबों और कौमी शनाख्त की और यानी नेशनल आइडेंटिफिकेशन की तश्कील की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, अब हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कौम परस्ती के, नेशनलिज्म के, जिसमें हमने स्टडी किया कि कौम परस्ती क्या है और यूरोप में नेपोलियन की जंग के बाद कैसे उभरी। तो कौम परस्ती जो है वो इस अकीदे को कहा जाता है कि लोग जो मुश्तरका जबान, सकाफत और तारीख रखते हैं तो इस तरह से कौम के तौर पर उनको मुतहिद होना चाहिए। और नेपोलियन की जंगों के बाद यूरोप में कौम परस्ती उभरी थी जब लोगों ने अपने ममालिक के साथ ज्यादा मजबूती से शिनाख्त करना शुरू की थी। ठीक है, लोगों ने जो गैर मुल्की हुक्मरानी थी या सल्तनत थी उनके बजाय अपनी कौमी तशखस को अहमियत दी थी। उसके बाद हमने पॉइंट देखा कि 19 सेंचुरी में कौम परस्ती के तहरीकों के बुनियादी मकासद क्या थे। कौम परस्ती की तहरीकों के बुनियादी मकासद में आज़ादी का हसूल था, हमने डिस्कस किया। इसमें खुद मुख्तारी थी, मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों का अपनी हुकूमत खुद चलाना शामिल था। तो ये तहरीकें जो थी खासतौर पर इटली में, जर्मनी के अंदर और पोलैंड जैसे इलाकों में देखी गई थी, जहाँ पर कौम परस्तों ने अपनी कौम की यकजहती या फिर आज़ादी के लिए जदोजहद की थी। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट देखा कि कौम परस्ती ने ऑस्ट्रियाई सल्तनत जैसी बड़ी सल्तनतों के स्टेबिलिटी को, इस्तेकाम को कैसे चैलेंज किया। तो कौम परस्ती ने ऑस्ट्रियाई सल्तनत जिस तरह से बड़ी सल्तनतें हैं इनके इस्तेकाम को चैलेंज किया, क्योंकि मुख्तलिफ नस्ल जो गिरोह था वो आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने लगे थे। तो उसने अकलियतों को बगावत करने में भी और अपने कौमी तशखस के हसूल के लिए तहरीक देने की तहरीक दी जो सल्तनत की मरकजी हुकूमत की ताकत को कमज़ोर कर रही थी। और दूसरा पॉइंट हमने इसी में देखा नेशनलिज्म के बाद लिबरलिज्म का, कि लिबरलिज्म के हम असूल क्या है, हमने डिस्कस किया कि लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल यानी कि आइडियोलॉजी है, एक सियासी नजरिया है जो अनफरादी आज़ादी, बराबरी और जमहूरी हुकूमत को फ़रोग देता है। और इसके जो असूल हैं उनमें जो यानी कि मुतलिक अनानियत की मुखालफत है, यानी कि बादशाह की पावर की, तहरीरी आइन की हमायत और अवामी मुंतब हुकूमत, ये इसके अंदर, इसके असूलों के अंदर शामिल है। और इब्तदाई 19 सेंचुरी में लिबरल तहरीकों के अहम मकासद क्या थे, जहाँ पर ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो लिबरल तहरीकों के अहम मकासद में शहरी हकूक थे, आज़ादी इजहार था, आज़ादी सहाफत के असूल शामिल थे। हमने जिस तरह से लिबरलिज्म के पॉइंट में डिस्कस किया है, तो लिबरलिज्म ने यानी फ्यूडल मराहत का खात्मा किया था और महदूद हुकूमत की तश्कील के लिए जदोजहद की थी। उसके बाद हमने पॉइंट देखा कि लिबरलिज्म और मुहाफ़ज़त पसंदी के दरमियान तनाजात की नेचर क्या थी। तो लिबरलिज्म और मुहाफ़ज़त पसंदी के दरमियान जो तनाजात थे वो उसी वक्त जन्म लेते थे जब लिबरलिज्म रवायती बादशाह और समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली का मुतालबा करते थे। और मुहाफ़ज़त पसंद लीडरों ने उन असलाहत की मुखालफत की जिसकी वजह से कई यूरोपीय ममालिक में कशीदगी भी पैदा हुई थी। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट जो डिस्कस किया रोमानियत का, जिसमें हमने पॉइंट डिस्कस किया कि रोमानियत ने रोशनी के दौर के मुकाबले में किस तरह से रद्द अमल दिया इनलाइनमेंट के दौर के मुकाबले में। तो रोमानियत ने रोशनी के दौर की जो मंत्र की सोच थी और सियासी यानी तफक्कर था उसके खिलाफ जज्बात, फितरत और इंफरादी तजिए की अहमियत के ऊपर जोर दिया था। और ये एक ऐसे वक्त में उभरी थी जब लोग अपनी सकाफतों को, अपनी रवायात को और जज्बात की वो कदर करने लगे थे। और यहाँ पर क्वेश्चन भी हो सकता है कि रोमानियत ने कौम परस्ती के अरूज में किस तरह से किरदार अदा किया। तो रोमानियत ने कौम परस्ती को फ़रोग दिया क्योंकि इसने कौमी रवायात और लोक कहानियों और तारीख की अहमियत को उजागर किया। तो इसने मुख्तलिफ कौम के जो मुनफरद खसूसियात थी, अलग खसूसियात थी, उनकी पहचान थी, तो उनको मनाने के जरिए कौमी यकजहती के जज्बात को मजीद मजबूत किया, उनको तकवीत दी। ठीक है, अब रोमानियत के ही पॉइंट में यानी कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि रोमानियत की अहम शख्सियात कौन थी और उन्होंने क्या किरदार अदा किया था। तो रोमानियत की अहम शख्सियात जिस तरह से हमने स्टडी किया कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इस तरह के शायर थे, और इसके अलावा लुडविग वैन बेथोन थे, इस तरह के मौसीकार शामिल थे। उन्होंने आर्ट के अंदर अनफरादी एहसास की अहमियत को हाईलाइट किया और कौम परस्ती के तहरीकों को मुतासर किया। उसके बाद फोर्थ हमने पॉइंट डिस्कस किया सोशलिज्म का, कि सोशलिज्म क्या है और इसके अहमकात क्या हैं। तो सोशलिज्म एक नज़रिया है जो समाजी और इकतसादी बराबरी की वकालत करता है। और सोशलिस्टों का ख्याल है कि जो दौलत को ज़्यादा मुनसाना तरीके से तकसीम किया जाना चाहिए और माशरे को अपने तमाम अरकान की देखभाल करनी चाहिए, खासतौर पर वर्किंग क्लास की।
उसके बाद संत इनकलाब ने सोशलिज्म के नजरियात की तरक्की पर कैसे असर डाला, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो संत इनकलाब ने मेहनत कशों की खराब हालत तो उसके तवील कौम के औकात को कम तनख्वाहों के साथ साथ मजालिम की तफसीलात को भी हाईलाइट किया था और इसने सोशलिस्ट नजरियात की तरक्की को भी फ़रोग दिया जहाँ मेहनत कशों ने अपने हकूक के हसूल के लिए जदोजहद की। उसके बाद हमने पॉइंट डिस्कस किया कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे और उन्होंने सोशलिज्म पर क्या असर डाला था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे वो सोशलिस्ट नजरियात के यानी के मुअल्लिफीन थे, जिस तरह से हमने देखा। तो उन्होंने कम्युनिस्ट मंशूर लिखा था जिसमें उन्होंने वर्किंग क्लास की एक्सप्लोटेशन, उसके इस्तेमाल की सूरत हाल को और तबकाती जदोजहद के ऊपर उन्होंने जोर दिया था और उनके नजरियात ने सोशलिज्म की तहरीक को भी एक नई डायरेक्शन दी। पांचवा पॉइंट हमने देखा रिवोल्यूशनिस्ट का यानी संत इनकलाब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशनिस्ट। तो संत इनकलाब के जो अहम यानी के टेक्निकल एडवांसमेंट्स थी वो क्या थी, तो हमने स्टडी किया कि संत इनकलाब के दौरान जो अहम टेक्निकल एडवांसमेंट्स थी वो भाप का इंजन था, पावर लूम था और मशीनरी की बाकी इकसाम शामिल थी और इन डेवलपमेंट्स ने पैदावार के तरीकों में बुनियादी तब्दीलियां की थी। संत इनकलाब ने पैदावार के तरीकों को कैसे तब्दील किया, तो संत इनकलाब ने यानी दस्ती मेहनत को मशीनी पैदावार के साथ तब्दील कर दिया, यानी दस्ती मेहनत से मुराद जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी उनको उन चीज़ों को मशीन से बनाना शुरू कर दिया, फिर जिसकी वजह से सामान की बड़ी मकदार में जो उसकी पैदावार भी मुमकिन हुई और इसने पैदावारी लागत में भी कमी की और अशिया की दस्तियाबी में भी इजाफा किया क्योंकि मशीनों से जो है वो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सकती थी, तो इसी वजह से इन तमाम चीज़ों की दस्तियाबी में इजाफा हो गया। फिर संत इनकलाब के दौरान यानी के जो अर्बनाइजेशन थी उसकी वजह से कौन से समाजी चैलेंजेस उभरे थे, तो संत इनकलाब के दौरान अर्बनाइजेशन के नतीजे में आवाम की बड़ी तादाद शहरों में मुंतकिल हुई थी जिससे आबादी में इजाफा हुआ और उसके नतीजे में गुर्बत बढ़ गई, आलूदगी बढ़ गई, सेहत के मसाइल बढ़े और नाकाफी बुनियादी स्ट्रक्चर जैसे समाजी चैलेंजेस भी बढ़ गए थे। उसके बाद सिक्स पॉइंट हमने कॉलोनियलिज्म का डिस्कस किया और इसमें हमने स्टडी किया है कि 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन आबादियाती तौसीअ के डायनेमिक्स क्या थे। यूरोप मालिक ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के इलाकों के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की थी और इसके जो डायनेमिक्स थे उनमें जो खाम माल की जरूरत थी, नए बाजारों की तलाश थी, कौमी वकार इसके अंदर शामिल था। नौबादियात ने नौबादियाती इलाकों की मईशतों के ऊपर क्या असर डाला, तो नौबादियात ने नौबादियाती इलाकों की मईशतों के ऊपर गहरे असरात मुरतब किए जिससे इकतसादी इस्तेसाल, मकामी सकाफतों के दबाव, मकामी वसाइल की लूट मार हुई, तो इसके नतीजे में इकतसादी अदम तवाजन और इनसार पैदा हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन अभी हो सकता है कि यूरोपियों ने अपनी नौबादियाती कोशों की तवजीहत किस तरह से पेश की थी, तो यूरोपियों ने अपने नौबादियाती कोशों की तवजीहत के तौर पर ये उन्होंने दलील पेश की कि वो मकामी आबादियों को सिविलाइज यानी महजिब बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, हम स्टडी कर चुके हैं कि इसने सकाफती यानी सुपेरियरिटी का एहसास पैदा किया था जिसके जरिए उन्होंने अपने इस्तेसाल की तवजीह पेश की। लास्ट हमने कंसिक्वेंसेस का पॉइंट डिस्कस किया यानी अवामिल के नतीजे का, कौम परस्ती और लिबरलिज्म के नतीजे में यूरोप में कौन सी सियासी तब्दीलियाँ आई थी। तो हमने स्टडी किया कि कौम परस्ती और लिबरलिज्म ने सियासी इनकलाबों के रामवार की जब मुख्तलिफ इलाकों ने आज़ादी और जमहूरी असलाहत का मुतालबा किया और ये तहरीकें जो थीं वो रवायती बादशाहतों के खिलाफ थीं और एक नई सियासी बसीरत भी फराहम करती हैं। देन हमने डिस्कस किया कि संत इनकलाब ने इक्तसादी और समाजी तब्दीलियों में कैसे किरदार अदा किया, तो संत इनकलाब ने यूरोप की मईशत को तब्दील किया, पैदावार में इजाफा किया और नए सनती शोबे भी मुतारिफ करवाए और इसने तबकाती तनाव में भी इजाफा किया और इसके नतीजे में वर्किंग क्लास के हकूक के लिए तहरीकें पैदा हुई थी। ये तहरीकें यूरोप में मुस्तकबिल के तनाजात के लिए किस तरह से बुनियाद फराहम करती है, तो इन तहरीकों ने यूरोप में मुस्तकबिल के तनाजात के लिए एक बुनियाद फराहम की और इन तहरीकों ने कौमों के दरमियान इतिहाद की ख्वाहिश पैदा की, सियासी असलाहत की तलब की, तबकाती जदोजहद की बुनियाद रखी, सो इसके नतीजे में कई तनाजात हुए और इनकलाब भी हुए। सो आज की वीडियो में हमने कवर किया है हमारे थर्ड टॉपिक को जो कि है कि यूरोप में तसलसल और तब्दीली के अवामिल यानी 1815 to 1848, जिसमें हमने कौम परस्ती के पॉइंट को डिस्कस किया, लिबरलिज्म को, रोमानियत को, सोशलिज्म को, संत इनकलाब को, नौबादियात और नतीज इनके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस किया है। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक, share and subscribe our channel.